देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। वाजपेयी का पूरा जीवन समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। जब वह 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें 13 दिन की सरकार चली थी, और 1998 में 13 महीने की सरकार थी। जब वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि राजनेता किस तरह का होना चाहिए। उनके शासनकाल में 13 मई 1998 को देश में परमाणु बम का टेस्ट सकुशल संपन्न हुआ, जिससे देश परमाणु बम संपन्न देश बन गया। यह देश कभी अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भूल सकता है। उन्होंने गाँव को सड़कों से जोड़ा, शहर को 4 लेन व 6 लेन से जोड़ा। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। वाजपेयी जी का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में 13 दिन की सरकार चली थी, और फिर 1998 में 13 महीने की सरकार थी, तो 13 महीने की जब सरकार दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल दिया था कि राजनीति में भी शुचिता कैसी होनी चाहिए, पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए, और एक राजनेता के लिए एक ऐसा आइडियल क्या होना चाहिए। उन्होंने संसद में जब बहस चल रही थी और एक वोट से सरकार गिर गई थी, तो उन्होंने देश के सामने लोकसभा में कहते हुए कहा था कि बाजार भी सजी है, बिकने वाले भी लोग हैं, लेकिन मैं अनैतिक काम के लिए चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और एक ओर से सरकार गिर गई थी। अटल जी के नेतृत्व में इस देश ने जो 1964 में जनसंघ ने सपना सजोया था कि भारत को कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, वो सपना 13 मई 1998 को परमाणु पोखरण विस्फोट करके अटल जी के नेतृत्व में दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये देश कभी अटल जी को नहीं भूल सकता। अटल जी ने इस देश में 4 लेन 6 लेन सड़कों को जोड़ने का काम रहा हो, या गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव को जोड़ने का मामला हो, या हर हाथ में मोबाइल देने का काम, ये काम सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। और इसलिए यह देश हमेशा ऐसे महापुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम सब उनको याद करते हैं, और युवा पीढ़ी, विशेषकर जो देश की युवा पीढ़ी है, हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हम सब प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ जो समाज और राष्ट्र के लिए जितना हो सके वो करने का की प्रेरणा अटल जी से हमेशा हम लेते रहेंगे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि।